बस ठीक है, हम इसी पे उसको करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सो ये थर्ड अटेम्प्ट है आज के दिन लाइव जाने की, और एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो चुका है। मैं आपको बताता हूँ कि उस ब्लंडर के पीछे भी मरियम नवाज़ और उसकी सोशल मीडिया टीम का हाथ है। मैं उनके बहकावे में आ गया। मेरा इरादा था कि मैं आप लोगों से गुफ्तगू करूँ मरियम नवाज़ और उसकी सोशल मीडिया टीम की वजह से। इस पेज पे सेशन करने की बजाय मैंने बिज़नेस वाले पेज पर सेशन शुरू कर दिया। 28 लोग देख रहे थे। मैंने कहा कि किसी ने आज कोई सवाल नहीं किया, कोई जवाब नहीं दिया, कि अचानक एक खातून ने पूछा कि 3 से 6 महीने के बच्चों के जूते हैं वहाँ। मेरे कान खड़े हुए। मैंने कहा कि ये साजिश है मेरे ख़िलाफ़, बहुत शदीद किस्म की साजिश की गई है आज, और मैं इस साजिश का बदला लूँगा। मैं मुबशर लुकमान आपको आयोसूख से ये बात कह सकता। इस पेज पे सेशन करने की बजाय मैं वो फाउंडर मेंबर हूँ उस पेज का, जो हमारा बिजनेस पेज है। वहाँ मैंने बातें शुरू कर दी, घटिया घटिया चीप किस्म की बातें। तो अचानक एक खातून ने मुझसे पूछा कि आपके पास 6 महीने के बच्चों के कपड़े हैं। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि हम गलत जगह पहुंच गए। आज तक किसी ने मेरी शक्ल नहीं देखी थी उस पेज पे। सो जी, ये हैंड हुआ है आज। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ मोहम्मद कदीर साहब। उम्मे मोहम्मद आप कैसी हैं? ठीक हैं मोहम्मद। उमर अकरम साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। अहमद मुश्तबा साहब आप जब आते हैं, वालेकुम सलाम। आप कहते हैं आई एम फ्रॉम फैसलाबाद। आप अपना आईडी कार्ड नंबर आइंदा बताएंगे, साथ अपने घर का एड्रेस बताएंगे, और एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेजेंगे। वड्डे हाजी उन्होंने क्या सी भाई, गड्डी लाया 45,000 रुपया दिता मैंने उन्होंने। वड्डे हाजी उन्होंने, मैं गया सीधा मस्तियाने रोड, उत्थे शोरूम सी यूनाइटेड आलियां दा। उत्थों मैं नवी गड्डी फड़ी, सीधा उहदे च 300 दा तेल पवाया ते आ गया। ते अहमद मुश्तबा तुसीं मैनूं दस्सना, तन वड्डे हजी उहनां ने 45,000 दित्ते सी इस काम दे कि नहीं दित्ते? सो सलाम अली। वालेकुम सलाम जिमल। वालेकुम सलाम। सो जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, थोड़ा माहौल हो तो मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ हुआ क्या आज। आप लोगों के चक्कर में, आप लोगों को एंटरटेन करने के चक्कर में, जो इस मुश्किल से मैं गुज़रा हूँ, जिस तकलीफ़ और कर्ब से मैं गुज़रा हूँ, वो आपको क्या बताएं कि क्या हुआ है हमारे साथ। तो थोड़े से बंदे इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर बताएं जी आप लोग कैसे हैं, दिन कैसा गुजर रहा है, मामलाते ज़िंदगी कैसे हैं, क्या हो रहा है, और ज़िंदगी कैसी गुजर रही है। पेंडेमिक, कोरोना वायरस इज़ अ पेंडेमिक विच कम फ्रॉम द वुहान फ्रॉम द वेट मार्केट जस्ट लाइक मीरा जी। सो असमा चौहान, किड्स आर एट नानोज़ प्लेस, सो आई एम एट माई मदर्स प्लेस एंड माई वाइफ इज़ एट हर मदर्स प्लेस। शी इज़ हैप्पी हेयर एंड आई एम हैप्पी हेयर। हैप्पी हैप्पी। सो बच्चे गए हुए हैं जी, बच्चे आए हुए हैं, बच्चों की पार्टी चल रही है। स्कूल वाले फीसों पे फीसों के वो भेज रहे हैं रिमाइंडर, यार सवेरे आखिरी डेट है, दसवीं मैंने याद कराएंगे जमा कराना। काशिम मशकूर, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ऑल्सो फ्राम फैसलाबाद। या आई नो यू वेरी वेल। और ये ओ काशिफ, ये जो तुमने इमरान खान की तस्वीर लगाई यार, यकीन करो इतनी खुशी हुई देख। इमरान इज़ हेयर, इमरान इज़ देयर, इमरान इज़ एवरीवेयर। और 50 करोड़ 1,000 नौकरियां, मुर्गियां, फिर मुर्गियों को अंडे और अंडों को फिर मुर्गियां, क्या कुछ देंगे हम। ऑल अवे गुड सोशल डिस्टेंसिंग राना अरसलान अज़हर।
उस्मान अली आप भी ठीक हैं, गुड बात है। जमल हैं आप भी, अच्छा है। बस सर मुझे उस दिन नोट किया, मैं जब वीडियो सेशन करता हूँ तो मैं सर पे हाथ बहुत फेरता हूँ। सो मुझे पता नहीं लगा, मैंने बाद में देखा कि मैंने इतना सर पे हाथ फेरा, लेकिन अच्छी बात है मेरी उम्र में लोग, कोई और तो सर पे हाथ फेरता नहीं है, तो मैं खुद ही फेर लेता हूँ। तो एक वक्त होता है ना, आप आगे होते हैं बुज़ुर्गों के, तो आप वो आपके सर पे हाथ फेरते हैं। तो अभी मैं खुद जो हूँ वो क्या कहते हैं ये काम कर रहा हूँ। सो थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत शुक्रिया। आप लोग देख रहे हैं, सिर्फ 17 लोग देख रहे हैं, 17 करोड़ नौकरियां, 22 करोड़ लोगों में से हम देंगे। 17 करोड़, 17 करोड़, 50 अरब रुपया मुंह पे मार देंगे, 1 अरब डॉलर उसके मुंह पे मारेंगे, 3,000 अरब की करप्शन होती है, सब रोक देंगे। सो अंडों से कट्टे एंड खट्टों से पैसे ली थी तक का समय। अच्छा ये इधर साहब के बेटे, इधर साहब कौन, 92 का वर्ल्ड कप देखने आए थे, नहीं आए? अच्छा 92 का वर्ल्ड कप। सो ये मामला है जी। अब 21 लोग देख रहे हैं, मैं वाकया दोबारा सुनाता हूँ। हुआ ये कि जो हमारा दूसरा बेबीज़ वर्ल्ड वाला पेज है उसका मैं फाउंडर हूँ। उसके मैं और तलाल जो है उसके दोनों एडमिन हैं। जब मैं फेसबुक पेजेस मैनेजर जो है ना उसमें इंस्टॉल करता हूँ, तो सुबह से ना मैं उस पेज पे काम में बजा रहता, तो मैंने ना उसी के लाइव सेशन पे जाके ना उधर ही लाइव सेशन शुरू कर दिया, और वहाँ बशर लुकमान में बन गया। तो मुझे समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या, कोई मैसेज नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे जो देखने वाले हैं वो तो तावले बड़े हैं। अच्छा उधर भी लोगों ने खामोशी, अचानक एक औरत ने पूछा आपके पास 6 महीने के बच्चे के जूते हैं? सो मुझे अंदाज़ा हुआ है 6 महीने के बच्चे के जूते, रियली? तो मुझे ख्याल आया कि मैं तो गलत जगह आ गया हूँ। ये ऐसे ही है कि जैसे मर्द चौकीदार लड़कियों के कॉलेज में, ज़मीर जाफरी ने कहा है ना, एक अजीब रिश्ता है नॉलेज और कॉलेज में, जैसे मर्द वो लोग भी हैरान हुए होंगे कि मौलवी साहब कौन है जो इस पेज पे भाषण दे रहे। 3-4 मिनट बाद, जूतों के सवाल के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं गलत पेज पे लैंड कर चुका हूँ। नहीं जी, मैं सुबह सुबह मैं इस्लामाबाद आया हूँ, कोई पंखा नहीं चल रहा, बेहतरीन माहौल है, बेहतरीन मौसम है, और कमाल है। काशिफ भाई हंस रहे हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं। और उसके बाद मोहम्मद रिजवान, 30 बंदे हो गए, लोग आहिस्ता आहिस्ता आ जाते हैं यार, जब जब सेशन लगता है तो वो सेशन में आ ही जाते हैं, मगर थोड़ी आवाज़ कम करते हैं। तो ये है मामला। तो आप सुनाइए जी, क्या नहीं ताज़ी है? सो कोरोना वायरस इज़ अ पैंडमिक स्टार्टेड फ्रॉम मार्केट। आई एम 21 एंड आई एम स्टिल नंबर 1। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, आप सबका बेहद शुक्रिया। यार कुछ सवाल जो आप करें, कोई बात छेड़ें, कोई मैं थोड़ा सा सेशन को आगे लेके चलूं, कोई नई ताज़ी, कोई सवाल जो आप, कोई और व्यू, कोई स्टोरी, कोई कहानी, एनी थिंग यू वॉन्ट मी टू एक्चुअली टेल, हम वो आपसे शेयर करेंगे। आज तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, ब्लंडर ये जो मैं उस पेज पे गया हूँ आज, उस पेज से जो लाइव सेशन हुआ है आज, इसके पीछे मरियम नवाज़, उसकी सोशल मीडिया टीम का हाथ है। बहकाया उन्होंने मुझे और मैं उस पेज पे चला गया, अदरवाइज़ मुबशर लुकमान ने कभी गलती नहीं की, नेवर एवर। ए बी भाई कुछ नहीं, वेटिंग फॉर बिजनेस टू ओपन। सो आप उस्मान भाई क्या करते हैं? सो इफ़ यू जस्ट वॉन्ट टू शेयर इट विद मी। और आतिफ रज़ा हैं, वाकम सलाम, रिजवान मोहम्मद हैं, मीरा अमेरिका में स्टक हो गए हैं, करोना वायरस इज़ अ पैंडमिक शी हैज़ टोल्ड अस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, आई एम 21 एंड आई एम नंबर 1। सो थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी फिर चलें बंद कर देते हैं, कोई सवाल जो आप करें यार, कोई बात करें, कोई आप मुझे बताएं, कोई टॉपिक शॉपिक बताएं यार, डिस्कशन करते हैं, अगर तो इसको लंबा खींचना है, बाकी हाज़िरी तो मेरी लग ही गई है, मच्छर मेरे सर पे मंडला रहे हैं, मच्छरों का मौसम है। शी इज़ स्टक इन अमेरिका आस्किंग द गवर्नमेंट टू इंटरवेन सो दैट शी कैन कम टू हर डियर पाकिस्तान। आई गॉट स्टक, आई वॉज कन्फ्यूज, द जहाज इज़ नॉट फ्लाइंग, दे आर नॉट इवन वॉकिंग, द जहाज़ जो है वो स्टॉप हो गए थे और वो नहीं आ सकी, बहुत मसला हो गया। मोहम्मद सलमान हैदर, वालेकुम सलाम, योर प्रोग्राम इज लॉकडाउन इज़ ब्लेसिंग। हाय हाय हाय,
سعادیہ جبین کیسے کر لیتی ہیں، یہ باتیں کہاں سے سیکھی ہیں؟ تو عثمان بھائی یہ پینٹ مینوفیکچرنگ اور آئل ڈسٹریبیوشن کہاں کرتے ہیں؟ اب لاہور شہر میں کرتے ہیں، سو شاپس نہیں کھل رہی، سپلائر کوئی ڈائریکٹ سپلائر، سو ہاؤ یو مینیجنگ ود آؤٹ ورک؟ آئی ہوپ فائنینشلی یو آر اسٹیبل انف ٹو کوپ اپ ود دا لاک ڈاؤن، اینڈ آئی ایم انٹرسٹڈ ان نوئنگ اونلی اف یو وانٹ ٹو ٹیل کہ ہاؤ آر یو ٹریٹنگ یور ورکرز ان دس سچویشن، بیکاز دیٹ از ویئر دا ڈفرینس از. فواد بٹ لاٹس آف لو فرام گجرات. فواد کیا رے، وہ میرے شہر دا ہے، اس بھی رہن والا ہے تو تم بھی اتنے تو رہن والا ہے. وہ فواد بٹ میں یاد آیا یار، تو روٹی بڑی کھانا سی صوبی دن کھان پہ تو کھائی جانا سی کھائی جانا سی، روٹی نہیں مکتی سی، روٹی مک جاتی سی بندے تاکہ تو روٹی کھانا رہتا سی، وہ تو ہنستا جانا سی. عثمان علی لاہور اینڈ فیصل آباد ڈسٹریبیوشن فیصل آباد کی، گڈ یار، اچھا ہے. سو لوبریکنٹس ہیں تو گاڑیاں بند ہیں، مائلیج ہو نہیں رہی، سو یہ بھی ایک ایشو ہے. سو فواد بٹ صاحب آئے ہیں، ہمارے پرانے دوست ہیں، آج بڑے دن بعد محبت بھرا انہوں نے پیغام بھیجا ہے. تو گجرات روٹی بڑی کھانا سی یار، بڑی روٹی کھائی انہیں. تو بس ابیر، ناؤ ڈیز ایون لاہور از لکنگ لائک اسلام آباد، آئی ونڈر اسلام آباد مسٹ بی لکنگ لائک 90s اسلام آباد. ویری پلیسڈ، کام اینڈ فل آف نیچر. آئی لیو ان لاہور بٹ اسلام آباد از مائی نیکسٹ ہوم ان فیوریٹ ٹو. آئے ہائے 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 ہائے، اسلام آباد ہم نکلے ہی نہیں. اسلام آباد کیسا لگ رہا ہے؟ ہم تو گھر میں ہی ہیں، گھر سے دفتر چلے گئے، لیپ ٹاپ کھول لیا، لیپ ٹاپ پہ کام کر لیا، فون کر لیے، واٹس ایپ دیکھ لیا، نیندیں پوری نہیں ہو رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہمارا، امید ہے آپ بھی ٹھیک ہوں گی. تو یہ ہے جی معاملات. اور جون سا جو جو لوگ دیکھ رہے ہیں، تھینک یو ویری مچ. بلال سعید احمد بلال بھائی کیسے ہیں؟ ایک وہ ایک فور تھا جین، آپ کو جس سنا کرتے تھے اور آج الحمدللہ لائیو دیکھ رہے ہیں، بڑی بات ہے. نکلا تو تھا پرسوں بیوی بچوں کے ساتھ. اچھا، پرسوں بیوی بچوں کے ساتھ، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تم عثمان وہ میرے والا کام تو نہیں کر پے؟ میں نے جانا کسی پیج پہ تھا اور میں پہنچ کسی اور پیج پہ گیا اور عجیب سا کام ہو گیا وہاں پہ. ابھی بھائی مور آن یور آن لائن بزنس، اٹ واز گریٹ لسننگ ٹو یو دیٹ ڈے ایٹ یور آن لائن نیو مون بیبی شاپ. یا سو دیر از اے بلنڈر فرام مائی اینڈ ایز ویل. تو میں نے آپ کے ساتھ لائیو شو کرنا تھا، میں نے بیبی والے جا پہ اس پہ لائیو شو کر دیا، 2800 لوگ دیکھنے شروع ہو گئے. پھر اچانک کسی نے پوچھا مجھ سے کہ آپ کے پاس جوتے ہیں 6 ماہ کی بچی کے؟ تو پھر مجھے خیال آیا کہ رضیہ آج غلط جگہ پہ آ کے کنڈم میں پھنس گئی ہے، تو پھر میں نے ڈیلیٹ کیا. سو بھارت، یہ ہیں جی معاملات. ختیجہ جی وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں، ٹھیک ہیں. تو جی بس میں آرام سے ریلیکس کر رہا ہوں، میں صوفے پہ لیٹا ہوں اور کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس سوائے بکواس کرنے کے. آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو شیئر کر لیں، ورنہ اس کو بند کر دیتے ہیں. کچھ سوال جواب کر لیں یار، آج کوئی کوشچن آنسر رکھ لیں، کوئز پوچھ لیں، کوئی کون بنے گا کروڑ پتی. یار اسی عثمان علی پیج پہ میں نے جا کے شیئر کیا تھا، سو آپ لکھے فیس بک .com/BABISSTOREISB بیبی اسٹور ISB. پورا کیا؟ پورا اسلام آباد. پورا بیبی اسٹور اسلام آباد. چلو میں پھر شیئر کر لیتا ہوں، پنگ می ان میسنجر آف دا پیج، آئی شیئر دا لنک اوور دیئر. بھائی جی اور سنائے. جمائی، جمائی جو ہوتا ہے نا، یہ بھی ایک لینے کا فن ہوتا ہے. کچھ لوگ اتنی اونچی جمائی لیتے ہیں کہ بس کچھ نہ پوچھیں. خیر، 38 پیپل آر واچنگ، یو ہیو ٹو گیو می اے پوائنٹ سو دیٹ آئی کین پرولونگ دس سیشن، اور ایلس اٹ از گیٹنگ بورنگ اینڈ بورنگ فار آل آف یو. پھر لوگ آئیں گے اچھے طریقے سے کہیں گے کہ بھائی آپ اتنی لمبی بات جیسی بھی باتیں کر رہے ہیں ہمیں اچھی لگ رہی ہے، آپ کی بڑی مہربانی، لیکن سیریسلی کوئی چیز چھیڑنے کی ضرورت ہے یہاں پہ؟ کوئی نہ کوئی سوال جواب، کوئی ٹاپک. آج کی میں تو ٹی وی نہیں دیکھ رہا، کیا ڈسکشن چل رہی ہے؟
क्या चल रहे हैं केसेस, किसी ने कोई नया काम करा हो वो शेयर कर दे, किसी ने कोई कुकिंग की हो, कोई घर में कोई नई एक्टिविटी चल रही हो। सो हमारे पास तो आजकल सिवाय घर बैठ के काम करने के और बाकी कुछ भी नहीं है। बिलाल सईद अहमद भाई, कोई पेज है प्रोडक्ट्स का, मुझे लिंक भेज दें ताकि देख सकूं। भाई किस चीज़ की प्रोडक्ट्स, आपको क्या चाहिए? तो न्यू बॉर्न टू 2 इयर्स 3 इयर्स करते हैं, नाइट शोज डिलीट कर दूँ? वो गलती से हो गए, वो उसी चक्कर में तो नहीं हो गए एक ऑफर के, तो उसको दोबारा पोस्ट कर दो। कल करेंगे। अच्छा ही है, ठीक है। सो चले इंजॉय करें, फिर कल रखते हैं कुछ कुछ थोड़ा सा प्लान करके या म्यूज़िक के साथ करते हैं, बिकॉज़ ऐसे ही अपना भी और आपका टाइम ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं। आपने टीवी पे कुछ शो किया, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? दैट वाज ओके यार, टीवी, लाइटें, मेकअप, नॉट माय टाइप, टू मच टाइम कंज्यूमिंग, वेरी बैड पे मास्टर। आज से 15 साल पहले जब मैं करता था, तो अब तो जो टीवी के एंकर हैं आजकल, जो बड़े बड़े एंकर हैं, उनको बड़े पैसे मिलते हैं, पता नहीं तनख्वाहें मिल रही हैं कि नहीं, लोगों ने उसमें पैसा कमाया, काफ़ी बूम आया था, लेकिन हमारे ज़माने में रेडियो टीवी में पैसे नहीं होते थे। हाउ टू टेक रेस्ट वाइल स्पीकिंग कॉन्टिन्यूस, टेक सम क्या कहते हो, सिडेटिव्स, कोई दवाई शवाई खाएँ, कोई आप एल्प, लग्जोटनल, जेनेक्स, कुछ भी खाएं और सो जाएं। सो दैट इज़ द वे यू कैन टेक रेस्ट और गेट योर सेल्फ सम एनेस्थीसिया। ओ नींद ही नींद, टुडे वॉज इकबाल डे विद करोना, गवर्नमेंट बीटिंग डॉक्टर्स आर प्रिपेयर चीज़। ये आई डिड नॉट रिमेंबर एक्चुअली कि आज इकबाल साहब की बरसी है, सो योम वफात है, मैं नहीं याद रहा मुझे, सो अनफॉर्चुनेटली। और गवर्नमेंट डॉक्टरों को पीट रही है, तो जो कौमी यूथ है, कौमी यूथ जो है ये एक नई चीज़ है, ये वो है जो पढ़े लिखे लोग हैं पाकिस्तान के, मैं उसमें शामिल नहीं हूँ, तो कौमी यूथ जो है उन्होंने कहा होगा बहुत अच्छा किया गवर्नमेंट ने, कुट लगानी चाहिए थी, बेहतरीन काम किया, लेकिन आज से 3 साल पहले इन डॉक्टरों को कुट लगती थी, कौमी यूथ ने ना फेसबुक और ट्विटर पर रौला डाला होता था, तो बहुत अच्छा काम हुआ, बिल्कुल सही काम हुआ है, कुट लगनी चाहिए थी, थोड़ी लगाई है तो ज़्यादा लगाएं, अगर अभी भी कोई किसी की हड्डी पसली ठीक नहीं हुई तो बिल्कुल ठीक, क्योंकि वसीम अकरम प्लस की गवर्नमेंट है, बिल्कुल सही किया। आर यू लिसनिंग रेडियो दीज डेज? इफ यस देन विच चैनल? आई डोंट लिसन टू रेडियो। कभी आपने कहा है कि किसी मस्जिद खतीब ने कहा हो कि मेरे अलावा भी कोई अच्छा खुतबा देता है? कभी किसी मस्जिद के खतीब से सुना है आपने कि भाई मैं भी चंगा खुतबा देना, लेकिन फ़लानी मस्जिद का मौलवी भी चंगी खुतबा? बड़ा मुश्किल होता है, मैं जब सुनता हूँ तो मुझे बेसिकली इरिटेशन होने लग जाती है, कुछ चीज़ें अच्छी लगती है तो फिर मैं सुन लेता हूँ, लेकिन नहीं। मोहम्मद इरफान, मिड नाइट चिट चैट विद AB FM 101, साइंड आउट द वे यू वर, साइंड आउट द वे यू वर। मैं साइन करूँ या आप साइन आउट करेंगे? एक बंदे ने करना है ना साइन आउट, तो मैं तो अभी बोल रहा हूँ। सो ये सो आपने चीज़ बनाई, ये आज की अच्छी खबर है सादिया जबीन, दैट इज़ इंडीड वेरी गुड। मैं जब से अम्मी घर आया हूँ मैंने सिर्फ आज कहवा बनाया, वो भी किसी ने तारीफ़ नहीं की, मैंने उनको कहा ये पेशावरी कहवा, हल्की सी चीनी डली होती, कमाल होता, इलायची डाली मैंने उसमें, खूब इलायची को पानी में पकाया, पानी की चीखें निकल गई कि बस कर जाओ चूल्हा बंद कर दो, लेकिन मैं उसको पकाता रहा, उसके बाद उसके ऊपर पत्ती डाली, फिर कहवे को दम पे लगा दिया, फिर 5-4 मिनट के बाद कहवा कपों में डाल के सर्व किया, लेकिन मजाल है, किसी ने कुछ शुक्रिया बोला हो, मजाल है। बसीमा नास, PTV इज एयरिंग द रिलीज उर्द गुल इन उर्दू डबिंग फ्रॉम द 1st of रमज़ान। ये है क्या? उस दिन भी इसका जिक्र हो रहा था, मैं ड्रामे नहीं देखता हूँ, मैं जो ड्रामे देखता हूँ उसमें जो ड्रामे मुझे पसंद है वो इस तरह के ड्रामे नहीं होते, वो स्टेज ड्रामे होते हैं जिसका स्क्रिप्ट कोई नहीं होता, तो बंदे ने देखना शुरू किया और बस जान दे उस दे मारते 4:30। सो मैं तो वो वाला ड्रामे देखता हूँ, ये क्या है दरलिस उर्दगुल यार, ये करिए ज़रा गूगल, क्या है ये, ये वो खिलाफत पे बना हुआ कौन सी खिलाफत, सल्तनत उस्मानिया पे बना हुआ है है? नेटफ्लिक्स पे। अच्छा ये नेटफ्लिक्स पे भी पड़ा हुआ है, ये उसका है दिल्ली इर्तगुल नेटफ्लिक्स पे है? मैंने तो ये सुना। अच्छा, पर भाई यूथ है उनको 5 साल पे कर रहे हैं, ये क्या लिखा है? चलो छोड़ें यार, सियासत की कोई बात नहीं करनी, मेरे पास बहुत कुछ है सियासत को कहने को, मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन मुल्क बेहतरीन तरक्की कर रहा है, अजवा खजूरें आ रही हैं लोगों के घरों में, दूध शहद की नहरें बह रही हैं,
और ये सब काम फेसबुक पे हो रहे, सो कीप इट अप। सो थैंक यू वेरी मच। दिलिस अर्धगुल दे देखेंगे, यस इट्स ऑन नेटफ्लिक्स, आज से शुरू कर देते हैं वही नेटफ्लिक्स पे। तुम्हारे पास तो मेंबरशिप पे टाइम ही नहीं मिलता, अभी कितनी एपिसोड हैं आज देख लेते हैं। मैं तो भाई देखने बैठता हूँ तो फिर मैं कुछ और नहीं देखता, फिर वही चीज़ देखता हूँ, तो मैं आज देख लूँगा। सो एक तो ऑटोमैन था ना, सो ऑटोमैन मैंने नहीं देखा। सो लास्ट चीज़ मैंने मनी हाइस्ट देखी थी, उसके बाद फिर मैं ब्रेक लेता हूँ। मैंने नार्कोस देखना है, मैक्सिको वाला, तो वो देखते हैं क्या है। और उसके बाद एक मैंने और इंडियन शुरू किया था लखनऊ के नाम से, बट वो दो तीन एपिसोड के बाद मैं बोर हो गया, बेहद स्लो था। सो मैं मुझे अच्छी लगती हैं स्लो चीज़ें, बट उसमें सब्सटेंस होना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो बना दिया गया ज़बरदस्ती और उसमें कोई जान नहीं थी, तो फिर मैंने उसको जाने दिया। तो रेस्ट इज़ ऑल फाइन एट माई एंड, आई एम श्योर आप भी ठीक होंगे। अर्दगुल इज टर्किश हिस्ट्री अबाउट खलीफा उस्मानिया विद 5 सीजन। ओके मैंने वो गेस कर लिया है, डजेंट मैटर, 5 सीजन्स, 10 सीजन्स, नो सीजन्स, 4 सीजन्स, वी विल वॉच द सीजन्स, बिकॉज मैंने हाउस ऑफ कार्ड्स देखा हुआ पूरा। तो इर्दगुल इज़ टर्किश हिस्ट्री, सो अगर इर्दगुल ये है कि इंटरेस्ट मुझे करेगा और मेरा इंटरेस्ट कैप्चर कर लेगा तो ज़बरदस्त है। अच्छी बात यह है कि इस्लामाबाद में देर आर स्टिल नो फैंस, सो दैट्स द बेस्ट पार्ट। आई एम स्लीपिंग विदाउट फैन, विदाउट एयर कंडीशन, दैट्स द बेस्ट पार्ट। ननावे नवाजे तरावी से दूर करने के लिए ड्रामा लाया जा रहा है उर्दू में, नो कमेंट्स ऑन दिस यार। तरावी बहुत अच्छी बात है, पढ़नी चाहिए, बहुत ज़रूरी है जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए। तरावी जिस दिन शुरू होती है उस दिन मस्जिद की 6-7 सफ़े भरी होती हैं, जब तरावी ख़त्म होती है तो सफ़े 2 या 3 रह गई होती हैं। कुछ लोग नमाज़ पढ़ के निकलते हैं, कुछ 8 के बाद निकलते हैं मेरी तरह के, कुछ 12 के बाद निकलते हैं। तो ये उस्मान अली पूछ रहे हैं फैसलाबाद कैसा लगा, फैसलाबाद अच्छा है यार। सो मैं अक्सर एक बात लोगों को कहता हूँ, एज़ लॉन्ग एज़ आपकी जेब में पैसे हैं ना, आपको हर जगह अच्छी लगने लग जाती है। वहाँ पे बुनियादी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ पैसे। सो इफ़ यू कैन अफोर्ड समथिंग बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी, यू कैन मेक फेवरेबल सर्कमस्टांसिस एनीवेयर, सो दैट्स द पॉइंट। सो फैसलाबाद मेरे कज़न्स होते हैं काफ़ी, होते हैं, टाइम ही नहीं मिलता काम में, मैं बहुत बिज़ी होता हूँ, जो लोग मेरे साथ काम करते हैं उनको अंदाज़ा है। सो इट्स ओके, मैं बड़ा बहुत ज़्यादा बाहर घूमने फिरने वाला आदमी नहीं हूँ। तो ये सो एक बड़ा मज़ेदार बहस छिड़ गई है। सो मोहम्मद मंशा ने कहा कि तरावी से दूर करने के लिए रात 12 बजे ऑन एयर होगा, उस टाइम तरावी। तो मेरा ख्याल है मोहम्मद मंशा साहब ये समझ रहे हैं कि सऊदी अरब के लोग देखेंगे ना, इसलिए तरावी जो है वो क्या कहते हैं उनकी मिस हो जाएगी ना, वो ये इर्दगुल देखेंगे PTV के ऊपर सऊदी अरब के लोग, तो उनकी तरावी मिस होगी शायद, मुझे नहीं पता क्या, मैं तो लाइटर नोट पे कह रहा हूँ। तो ये हालात है, बाकी सब ठीक है। आप देख रहे हैं ये बाल दोबारा से आने लग गए हैं, लुक जो है वापस आ जाएगी। आई डोंट सी लाइफ गेटिंग बैक टू नॉर्मल एटलीस्ट 3 मंथ्स। इकॉनमी आई डोंट सी इवन कमिंग बैक टू ट्रैक इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री इज़ गोइंग टू, दे आर ऑलमोस्ट कोलैप्स्ड, सो वेरी फ्यू रेस्टोरेंट्स विल कम अप एंड सर्वाइव अगेन। ठीक है जी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि जब आप वापस आ पाएंगे तो लोग डरे हुए होंगे, सहमे हुए होंगे, सो वो वापस नहीं जाएंगे उन रेस्टोरेंट पे। बहुत बड़े एक ग्रुप ऑफ पीपल जो बेरोज़गार हुए हैं, बहरे, कुक, गार्ड्स, वैले पार्किंग वाले, बहुत क्रेज़ी है। ठीक है, तो बहुत मुश्किल हालात है, बहुत नाजुक सूरत हाल है। उस्मान अली 3 मंथ्स, लेट्स होप 3 मंथ्स ओनली यार, थिंग्स आर नॉट गुड। तो अभी आप देखते जाएं केसेस निकलेंगे तो फिर कहाँ से कहाँ बात निकल जाएगी। अभी तो हालात बहुत माड़े हैं यार, अभी तो रिपोर्ट ही नहीं हो रहे केस। जिसको होता है कोरोना वो छुप जाता है, गवर्नमेंट के अस्पतालों में फैसिलिटी नहीं है, वहीं ना मर जाएं जाके, तो बड़े हालात बुरे हैं।
सो मोहम्मद मंशा, आप कह रहे हैं 9:10 पे लेट्स वेट फॉर द फर्स्ट रमज़ान, लेट्स नॉट इन्वॉल्व आवर सेल्फ इन टू एन आर्गूमेंट हेयर, सो लेट्स वेट कि क्या बनता है. सो टफ टाइम है जी, गरीबों के लिए बहुत टफ टाइम है. सो इकॉनमी इज़ नॉट कमिंग बैक टू नॉर्मल, थिंग्स आर नॉट गुड, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज कलेप्स हो गई हैं, कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली है, दे हैव ग्रोन, लोगों ने ऐसे ग्रॉसरी जो है वो घर में इकट्ठी कर लिया, टिश्यू ले लिया है, 3-3 महीने के, 6-6 महीने का आटा ले लिया, साल साल का कुकिंग ऑयल ले के रख लिया है, सर में भी वही लगा रहे हैं, उसी में खाना भी पक रहा है. सो समझ से बाहर है. सो ग्रॉसरी वाले ने बहुत पैसे कमाए, ठीक है जी. और उसके बाद सैनिटाइज़र के नाम पे हर कचरा बिका है पाकिस्तान में. जो ख़वातीन घर में सिलमी सितारे का काम करती थी, उन्होंने मास्क बनाने शुरू कर दिए हैं. हर बंदा ही सड़क पे लेके मास्क खड़ा है, हर मास्क में से हवा अंदर बाहर जा रही है, पता नहीं कोई वायरस भी रोकता है या नहीं रोकता. ये मामला आते ज़िंदगी हैं, ठीक है जी. और थोड़ा डिटोल 2 नंबर बनी है इसमें, सीरियसली मैं आपको सही बता रहा हूँ कि लोगों ने 2 नंबर डिटोल बना के बेची है. तो ये हुआ है इन हालात में, अच्छे नहीं है हालात. सो माड़े हैं, गरीबों का बहुत बुरा हाल है. सो देखते हैं, रमज़ान आ रहा है, लेट्स हेल्प पीपल, जो हम कर सकें अच्छा है. मैंने पहले भी एक दिन अर्ज़ की थी कि मैं फेसबुक पे बहुत ज़्यादा ये चीज़ें लगाने का कायल नहीं हूँ. सम पीपल दे आर डूइंग इट, अच्छा है, प्रॉब्ली वो लोगों को मोटिवेट करना चाहते हैं कि जी हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, करें, अच्छी बात है, आई एम ऑल विद दिस. बट देन अगेन ये कुकिंग ऑयल की बात कर रहा हूँ सादिया जबीन, मैं ये पेट्रोल की बात नहीं कर रहा. सो ऑयल प्राइसेस वेंट टू नेगेटिव, दे वेंट टू येस्टरडे चली गई थी भाई नेगेटिव, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा बिकॉज ऑयल कंज्यूम ही नहीं हो रहा. तो ऑयल किधर जाएगा, समंदर में आप बहा नहीं सकते, घरों में आप नहीं लेके जा सकते, या गाड़ी में डलना है या जहाज़ में डलना है. तो आप डिगिंग तो हो रही है, वेल्स तो हैं, तो इसका तरीक़ाकार यही है कि आप आई डोंट नो क्या करेंगे. वी शुड प्रैक्टिस सेल्फ आइसोलेशन एंड सोशल डिस्टेंसिंग मोर, आई थिंक वी आर नॉट डूइंग इट, इंक्लूडिंग माई सेल्फ. लेट्स वेट फॉर द बेस्ट. हम बाज़ार जाना पड़ता है, चीज़ें लेनी पड़ती हैं, वहाँ तो फिर मैं थोड़ी बहुत केयर कर लेता था, यहाँ आके तो बिल्कुल ही ऐसे ही चल रहे हैं. हाथ धो लिए, ये कर लिया, अब जो होगा देखा जाएगा क्या कर सकते. लेकिन मैं वैसे सोशल गैदरिंग में नहीं हूँ. सो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, सामने ऑफिस है हमारा, वहाँ बैठ जाता हूँ, वहीं बैठ के काम करता हूँ, वहाँ से सीधा आ जाता हूँ, या घर आता हूँ, खाना पिया किया, फिर वापस चला गया. सो मैं आई एम नॉट रोमिंग अराउंड, बिल्कुल भी नहीं. सो ये है जी, अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह कल दोबारा कुछ करते हैं, देखते हैं मामलात ज़िंदगी कैसे जाते हैं. बहुत सारा ख्याल रखें, रमज़ान आ रहा है, देखते हैं रमज़ान कैसा होगा, अच्छा रमज़ान होगा, कम गर्मी है अभी तक. अल्लाह ताला आसानी फरमाए आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के हाल पर रहम फरमाए. और सबसे बढ़कर ये है कि लोग कहते हैं नहीं बड़ा दुख है, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढमकाना हो गया. सो सबसे बड़ा जो दुख है ना इंसानियत का, ये हमेशा मेरी बात याद रखिएगा, इंसान के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिससे इंसान की बिल्कुल बस हो जाती है, वो उसकी अपनी और बच्चों की भूख है. उस वक्त ना मज़हब याद रहता है, ना इंसानियत याद रहती है. सो भूख मिटाना जो है ना, ये एक बहुत बड़ा फेल है. सो भूख जो होती है ना, ये इंसान को ना किसी काम का नहीं छोड़ती. इंसान हर तरह के हालात से लड़ लेता है, लेकिन जो भूख होती है, ख़ास तौर पे एक बाप या माँ के लिए उनके बच्चों की भूख. सो मैं आपको सिर्फ ये एडवाइस करूँगा, अल्लाह ताला आप सबको हमें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, लोगों की भूख ख़त्म करने के लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर करें. और ज़रूरी नहीं है कि हर काम करके उसकी तशहीर भी की जाए, तशहीर करना ज़रूरी नहीं होता. सो मेरा अपना एक फ़लसफ़ा है, क्योंकि मैंने हमेशा से यही सुना है. आपको याद होगा कि नमाज़ इशा जब PTV पे आती थी, और हम सिर्फ PTV देखा करते थे बचपन में, तो उसके बाद एक हदीस आती थी. उस हदीस में रोज़ाना कोई ना कोई मुख्तलिफ हदीस आती थी. तो उस हदीस में एक हदीस जो मुझे हमेशा याद आती है, वो ये है कि एक हाथ से धो के दूसरे हाथ को, दाएं हाथ से धो के बाएं को खबर भी ना हो. सो उसके बावजूद लोग करते हैं तशहीर. नया नया लॉकडाउन हुआ, इंस्टाग्राम पे मॉडल्स ने, उन्होंने, सेलिब्रिटीज़ ने, जी हम ये राशन दे रहे हैं, हम ये राशन दे रहे हैं, उधर नाम लिया के सब लगे हुए. सो फ़लसफ़ा है जो हयात है ना, या जो मैंने ज़िंदगी में
छोटी छोटी चीज़ें अपनाई हैं उसमें एक ये बेहद ज़रूरी है कि तशहीर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की सफ़ेदपोशी छुपी होती है, एक बात। दूसरी बात यह कि तशहीर कर दिया तो क्या किया, दूसरी बात। और तीसरी बात, हमेशा याद रखें कि सफ़ेदपोश आदमी को ढूंढ के दें जो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता। जिस बंदे का झाका खुल गया होता है ना, जो बेलचा लेके चौक में बैठा होता है, उसको 10 बंदे देंगे, लेकिन जो सफ़ेदपोश आदमी होगा जिसमें सिर्फ तवक्कल पे चल रहा होगा खुदा के कि ये मेरा रब मुझे रिज़्क बचाएगा, वो हाथ नहीं फैलाएगा, वो अपने तवक्कल पे जिएगा। ऐसे बंदों को ढूंढ के दें, ये बेहद ज़रूरी होता है। ऐसे बंदे मिल जाते हैं, सो पता भी नहीं लगता, राह चलते ऐसी मुट्ठी बंद करके, ऐसी मुट्ठी में पकड़ा दिए, ज़रूरत भी नहीं है, तो पता भी नहीं लगा ना उसको, पता लगा ना आपको पता लगा। ऐसे ही ज़िंदगी जो है ना वो आगे निकल जाती है, और ये चीज़ें जो हैं ये आपको ज़िंदगी में फिर पे ऑफ करती जाती हैं, ठीक है। ये वापस आ जाता है घूम फिर के। मौका आएगा कभी ज़िंदगी में, सुनाएंगे आपको कि कहानी कहाँ से चली थी, कहाँ से हम शुरू हुए, ज़िंदगी ने कहाँ मोड़ लिए, कौन से दिन थे, साइकिल थी, बाइक था, मामलात फ़र्क थे। तो ये जो इफ़ेक्ट आता है ना, मल्टीप्लायर जिसको कहते हैं, वो इसी तरह आता है। पता नहीं किस किस के जो है वो पेट ने जो है वो जब उसका भरा होगा, उसकी ज़ुबान से पता नहीं कौन कौन सी दुआएं निकली होंगी, वो दुआएं आज तक साथ भी हैं और आपके साथ भी होंगी, और साथ साथ वो दुआएं जो हैं वो आपकी हिफाजत भी करती हैं, आपके जानो माल रिस्क में बरकत भी डालती हैं, और फिर इस तरह ही ज़िंदगी का कारवां जो है वो चलता रहता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि भूख, पहली बात, भूख से मुराद ये है कि जो लोग रिस्क से तंग हैं इस वक्त, उनका कारोबार बंद हो गया है, माश बंद हो गया है। एक दूसरा, सफ़ेदपोशी वाला बंदा जो किसी से मांग ना सकता हो, और तीसरा ये कि जब तक आप कर सकें क्या बुराई है, ठीक है। आज जो ये सारा हम आसपास ढेरों सामान लेके बैठे हैं आसाइशों के लिए, नरम गद्दे हैं, बिस्तर हैं, गाड़ियां हैं, एयर कंडीशन है, पंखे हैं, हीटर हैं, किचन में सामान है, ग्रॉसरी पड़ी है, कितनी मसाले हैं कि आज आपने ख़त्म किया, और ज़िंदगी के सांस आपका हुक्म आया अल्लाह ताला की तरफ से, आप गए और सामान इधर का इधर रह गया। जो है जान दे, ठीक ख्याल, ठीक है कि नहीं। ऐसी बात से बात निकली तो मैंने आपको बताया। रमज़ान है, लेट्स सी हाउ थिंग्स विल टर्न अप। अच्छा नहीं है हालात, हालात वाकई अच्छे नहीं हैं। ऐसे हम बैठ के दिल बहला लेते हैं, कभी गाना चला दिया, कभी वैसे बात करने शुरू कर दिया, सिर्फ टाइम पास करने के बहाने हैं, वक्त गुजारने के बहाने। वैसे ही है जैसे नून में मीम राशिद ने कहा था कि मुंह कलम साज गिले ताज़ा थिरकते पाँव, बात करने के बहाने हैं बहुत आदमी मगर किससे बात करे। बात यही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। इस तरह के मामलात जो हैं वो आसपास बहुत हैं, हम देखते हैं लोगों को। अभी हम मम्मी से अपनी यही इस तरह की बातें कर रहे थे, रमज़ान क्या करना है, किस तरह करना है, कितना करना है, किसको करना है, ऐसे ही गुजर जाएगा। क्या ख्याल है, ठीक है कि नहीं, अपना ख्याल रखें। एज़ पर मीरा जी, द करोना वायरस इज़ अ पैंडमिक फ्रॉम वुहान चाइना, द सुपर मार्केट, द वेट मार्केट। एंजॉय करें। वी विल एंटरटेन यू टुमारो, वी विल हैव सम अदर डिस्कशन अराउंड, बट फॉर द टाइम बींग जस्ट प्रे दैट दिस विल एंड सून, और मिलियंस ऑफ पीपल विल कलेप्स फर्दर बिकॉज ऑफ द पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, यू नो, इको सिस्टम इज़ नॉट वर्किंग, पीपल आर शॉर्ट ऑफ मनी, द सर्कल ऑफ फ्लो ऑफ मनी इज डिस्टर्ब बैडली। स्कूल की टीचरें हैं उन बेचारियों को तनख्वाहें नहीं मिली हैं क्योंकि लोगों ने फीस नहीं दी है। बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, यकीन करें। स्कूल की टीचर जो होती है ना बेचारी, जिसकी 10, 12, 14, 15 हज़ार तनख्वाह होती है, उससे गधे की तरह काम लेते हैं, सुबह से शाम तक बेचारी वो लगी रहती है, 7 बजे वो बेचारी ग्रीट करती है स्कूल के दरवाजे पे खड़े होके, उसके बाद वो बेचारी सारा दिन कापियाँ चेक करती है, उसके बाद प्लानर्स बनाती है और पता नहीं क्या क्या करती है, एंड देन इफ़ शी डजेंट गेट द सैलरी इन दिस क्रूशल टाइम, दिस इज़ एक्चुअली रियली बैड। जिस मुल्क में असातिज़ा को भी लोग पैसे ना दें, वहाँ पे आप देख लें क्या हालात होंगे। जो देना भी क्या है, 10 हज़ार 15 हज़ार प्राइवेट स्कूलों में क्या ये तनख्वाहें होती हैं और क्या होती है। इवन ये जो बड़े आपके मल्टी मिलियनर मल्टी बिलियनर के स्कूल हैं, ये भी इतनी तनख्वाह देते हैं, एवरेज सैलरी कितनी होगी बीकाना उसमें या सिटी स्कूल में,
या फॉर दैट मैटर रूट्स में 35,000 40,000 क्या बनता है आजकल के दौर में? कुछ भी नहीं बनता, महंगाई इतनी है आप देखें, कुछ भी नहीं बनता है। उनके लिए परेशानी है। और प्राइवेट कंपनी के लोग हैं जिनका कारोबार बंद हो गया, उन्होंने कहा कि जी जब तक हम पैसे नहीं देंगे, जब तक सेल नहीं होगी, रिकवरी नहीं होगी, बड़े ही परेशान हैं लोग, बड़े ही परेशान हैं। इसमें अगर आपके रिस्क में खुदा ने बरकत डाली हुई है और आपका रिस्क जो है वो वसी हो रहा है और किसी ना किसी तरीके से आज भी आप खुशहाल हैं, सो मैं आपको बता दूं कि आप इस मुल्क की 5% आबादी में से एक हैं। 5% से भी कम आबादी के इस वक्त ये हालात हैं। मूक सिर्फ मर जाएंगे अगर कोरोना से नहीं मरेंगे, समझ नहीं, ये बड़ी मुश्किल बैटल है, ये बैटल बड़ी टफ है। कहते हैं ना, वन बैटल एट अ टाइम। कौन सी बैटल लड़नी है? आर वी गोइंग टू फाइट अगेंस्ट पावर्टी और वी आर गोइंग टू फाइट अगेंस्ट दिस वायरस? दिस इज़ गोइंग टू बी अ बिग टाइम चैलेंज। वेन एवर आई ट्राई टू और आई यू नो जस्ट फील लाइक फिनिशिंग माई डिस्कशन, सो मोर पीपल कम इन टू द सेशन और अब ज़्यादा बंदे हो गए हैं। कोशिश करेंगे रमज़ान में विल डू इट एट मिडनाइट, 12 बजे करेंगे रात को, आराम से घंटा, आधा पौना घंटा, एंड वी विल हैव कॉन्टिन्यूसली सम प्रोडक्टिव डिस्कशंस एंड आई विल सी एंड शेयर डिफरेंट थिंग्स यू नो हैपनिंग अराउंड इन माई लाइफ। मैं ठीक हूँ बरबरी यार साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ उस्मान अली। सो इट मीन्स हमको बिजनेस ओपन कर देना चाहिए। आई डोंट नो उस्मान अली, आई डोंट नो, ओपन कर देना चाहिए। देखिए बात यह है कि आप रियासत के ख़िलाफ़ तो नहीं चल सकते ना। रियासत, अच्छा अब लेट सपोज़ अगर आपका पेंट का बिज़नेस है, आप अगर पेंट का बिज़नेस इस वक्त ओपन भी कर देंगे तो अगर आप वो पेंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आगे दुकानें बंद हैं। आगे जो बंदे हैं जिन्होंने मकान बनाने हैं, तो मुझे समझ नहीं आता। इकोसिस्टम डिस्टर्ब है, जब तक पूरी मशीनरी नहीं चलेगी आपकी प्रोडक्शन का कोई फ़ायदा नहीं है दोस्त। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स नॉट अबाउट वन पर्सन, इट्स अबाउट द इकोसिस्टम विच इज़ एट अ वर्ज ऑफ कलेप्स। यू कैन से वी आर ऑलरेडी इन टू रिसेशन, दिस रिसेशन इज़ गोइंग टू स्टे फॉर सम गुड टाइम। ठीक है, आई मीन्स गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप। गवर्नमेंट मीन्स वॉट? वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार, डू यू रियली थिंक ही हैज़ माइंड टू इवन अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन? यू इवन थिंक यार ऐसा है? इफ़ यू थिंक यार, इफ़ देर ऑनेस्टली यार, पंजाब में इट्स बुरे हालात है, अल्लाह माफ़ करे। ठीक है, तो वसीम अकरम प्लस पंजाब पे आ गए। वसीम अकरम प्लस जो है ये सारा दिन इनके हाथ में एक स्टिक होती है। मैं मुबशर लुकमान आपको बता, इधर से मक्खी इधर नहीं जाने देते, ठक एक, ठक दो, सारा दिन बैठ के वसीम अकरम प्लस जो, मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, मक्खियाँ मारते हैं या हरीम शाह के टिकटॉक देखते हैं। मैं आपको यकीनन बता सकता हूँ कि वसीम अकरम प्लस इनका सबसे फेवरेट काम जो है वो संदल खटक और हरीम शाह के टिकटॉक देखना है और ख़ुद उनकी तरह एक्टिंग करना। वसीम अकरम प्लस जो है ये उस्मान बुज़दार साहब, सुबह उठते हैं पकड़ते हैं ठक ठक, फिर टिकटॉक की वीडियो ठक ठक ठक, ये सब काम जो है वसीम अकरम प्लस करते हैं। सो आई रियली थिंक ये काम उस्मान बुज़दार करेगा यार। उस्मान अली सॉरी यार, तुम्हारा उसका नाम एक जैसा है, बट मैं ऑनेस्टली यार ये सवाल तो है ना, डू यू एक्सपेक्ट उस्मान बुज़दार टू डिलीवर यार? सीरियसली आई मीन यार, मेक मी सीएम फॉर गुड 1 month एंड ट्रस्ट मी, आई यू नो एड सम वैल्यू इन टू द सिस्टम। एंड सीरियसली यार, क्या बंदा यार, क्या बंदा रखती है अल्लाह ताला उसको, और देखें उसके नसीब का था, उसको मिल गया। बट सीरियसली इस मुल्क में डॉक्टर तक को पे नहीं मिल रही है और गंदम की फसल पे बारिश, तो वो कहा नहीं था उन्होंने, वो कौन सी मिनिस्टर है, कौन सी गुल है, जरताज गुल, उसने कहा था देखें नेक हुकूमत आई है तो अल्लाह की रहमत होने लग गई। एक तरफ रहमत तो है ही है ना। आप अभी तक बगैर पंखे के बैठे यार, 22 अप्रैल हो गया है, इस्लामाबाद में पंखे नहीं चले, ये भी तो एक नेमत ही है ना। आप इसको देख लें जैसा मर्जी ले लें, एक तरफ गंदम की फसल है, एक तरफ वो है, हर बंदा मौसम को अपने हिसाब से देखता है। नादे अली मंदाना मुबशर लुकमान, ठीक है जी।
नाइस पैरेडी, आपने पहली दफा देखा है मुबशर लुकमान की पैरेडी। मैं आपको ये बात वसूख से कह सकता हूँ कि जो आज तक आप मुझ तक नहीं पहुँच पाए, मेरी हकीकत को आप नहीं जान पाए, इसके पीछे मरियम नवाज, उसकी सोशल मीडिया टीम का हाथ है। पक्की बात आपको बता रहा हूँ वसूख के साथ कि इसके पीछे मरियम नवाज है। सना मलिक आई है हमारे साथ प्रोग्राम में। वालेकुम सलाम सना मलिक की। मुझे मरियम नवाज की फ़ैन लगती हैं, क्योंकि इस तरह की ख्वातीन जो होती हैं वो मोती बाजार जाके कहती हैं दो के साथ तीसरा दुपट्टा फ्री लूँगी। ऐसी ख्वातीन हैं जो पहले आके इस्लाम की आड़ में तीसरा दुपट्टा मांग लेती हैं। सो थैंक यू वेरी मच। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं तो यार ऐसी ऐसी दिमाग ऐसी ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह बातें सोचते क्या करें। उमरान गौरी क्या आपने दिया। आई सजेस्ट दैट वी शुड सो मैनी टी वी शुड हैव वी हैव सो मैनी टी वी चैनल्स, दे शुड गेट ऑन बोर्ड एंड स्टार्ट स्कूल ऑन टी वी एज इट इज स्कूल। वेल किड्स आर बिजी इन वॉचिंग यूट्यूब एंड अदर थिंग्स। कहाँ पे आप किड्स को लगाएंगी टी वी चैनल के ऊपर। ऑनलाइन लर्निंग पाकिस्तान में आदत ही नहीं है लोगों को, यकीन करें। ये चेंज मैनेजमेंट इतना बड़ा काम है पाकिस्तान में, चेंज मैनेजमेंट नहीं होती है। लोग हमारे बच्चे की ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, असाइनमेंट्स अपलोड करनी होती हैं, वो कहते हैं कैसे करें तो फजूल काम, मज़ा ही नहीं आ रहा, स्कूल नहीं जा रहे, फ्रेंड्स नहीं हैं, अकेले बैठ के कैसे पढ़ाई करें। सो बच्चे तो बेचारे स्क्रीन की नज़र हो गए, ना बच्चों को किताबों से कोई लेना देना है, ना किसी और चीज़ से कोई लेना देना। सो दिस इज़ हाउ द किड्स आर। तो और कोई चीज़ जी, कोई और सवाल जो आप, लोग हंस रहे हैं किस बात पर हंस रहे हैं। अब मुबशर लुकमान की पैरडी पर हंस रहे हैं। सो आप क्यों हंस रहे हैं मुबशर लुकमान की पैरोडी पे। मुबशर लुकमान ऐसी ही बातें करता है, कभी आपने उसको कोई काम की बात करते सुना है आज तक। मैं आपको एक ना, और रियल टाइम, इसमें कोई मुबालगा राय नहीं, आप उसके चैनल पे देख लें। मैं आपके लिए आज एक गुड न्यूज़ लेके आया हूँ मुबशर लुकमान। 15 अप्रैल को पाकिस्तान से कोरोना का खात्मा हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त खबर आने वाली है। 15 अप्रैल के बाद केसेस की तादाद कम हो जाएगी। 15 अप्रैल के बाद मैं आपको मुबशर लुकमान ये बताता हूँ कि जो पाकिस्तान में कोरोना है ये इधर हो जाए। यानी कि मियार देखें उसका, वो मुफ्ती अब्दुल कवी को बिठा के उसने जो है ना वो डिस्कशन कर रहा होता है। सो इस तरह के मामले आते हैं। सो मैं मतलब ऑनेस्टली यार, मैं समझना चाहता हूँ कि लोग इतने बड़े दावे, एक वो जावेद चौधरी है, वो आके बादशाह की कहानियाँ शुरू हो जाते हैं। जी नाजरीन मैं आपको बताऊँ, एक बादशाह था, उस बादशाह के 4 बेटे थे। एक बड़ा बेटा था, उसके बीच का एक बेटा था, फिर एक बेटा था, फिर एक बेटा था। उस तरह की कहानी सुनाता है, उसकी हर कहानी में बादशाह होता है, बादशाह शुरू होती है, बादशाह पे खत्म, सब मनगढ़ंत कहानी है। आपको रेडियो पर भी बहुत सुना है। नादे अली मंदाना, थैंक यू वेरी मच, आपने रेडियो पर सुना है। अब आप मुझे देख भी लें, मैं अब उम्र के अब उस हिस्से में आ चुका हूँ जब कोई मुझे किस हालत में देख रहा है ये बिल्कुल मैटर नहीं करता। मैंने क्या हेयर कट है, क्या हो गया, अब ज़रा बुढ़ापा आ गया, बंदे को मान लेना चाहिए। पीटीवी टेलीस्कूल लॉन्च हो गया है। पीटीवी आए नाजरीन, पीटीवी वर्ल्ड में खुश आमदीद। आज हम आपको बताएंगे ट्रैक्टर ठीक करने का ख़ास तरीका। जी नाजरीन, ट्रैक्टर के 4 पहिए होते हैं, अगले 2 पहिए छोटे होते हैं, पिछले 2 पहिए बड़े होते हैं। सो ये ट्रैक्टर है, ये चलता है, इसमें लगी हुई टेप का ट्रैक्टर चलाने वाले को कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि ट्रैक्टर जो चला रहा होता है उसको उस टेप की आवाज़ नहीं आ रही होती, टेप की आवाज़ जो है वो दूसरे लोगों को आ रही होती है। सो क्या ये फिर आपको याद होगा कि वो एक अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का प्लाबला होता है। आए नाजरीन आज हम आपको बताएंगे रेशम के कीड़े पालने का तरीका। सो रियली यार कसम खुदा की यार, हम कितना पीछे हैं दुनिया से, मैं दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई यार। मैं सीरियसली, आप टेक्नोलॉजी ने उसकी एवोल्यूशन, सर मसला ये है ना कि हमने तो टेक्नोलॉजी से, किताब तो हमारे मुल्क में वैसे ही पढ़ने का रिवाज नहीं था, थोड़े बहुत बेचारे लोग पढ़ते थे, वो भी उन्होंने भी अपने आप को चेंज किया। जो किताब लिखने वाले थे वो प्रैंक्स पे आ गए, जो करते हैं। डॉक्टर शाहिद महसूद की भी आपको पैरोडी सुनाता हूँ, किसी दिन मिमिक्री करके दिखाता हूँ। अच्छा, वो जो बेचारे किताब लिखने वाले जो शायर थे फरहत अब्बास शाह टाइप के, वो इस बुज़ुर्ग में उसका वो और उसका बेटा जो है उसने प्रैंक्स करनी शुरू कर दी, लोगों को सड़क पे थप्पड़ मारे, अजीब फजूल है, ठीक है जी। और दूसरा काम, जो टेक्नोलॉजी आई तो लोगों ने टेक्नोलॉजी को
एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया, एजुकेशन के लिए तो यूज़ नहीं किया। पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी का क्या इस्तेमाल है, फेसबुक पे स्टेटस अपडेट करके उस पर लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए या फेक न्यूज़ शेयर कर ली। सो लर्निंग के लिए कितना टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता है। सो दुनिया ने टेक्नोलॉजी से पता नहीं क्या कुछ किया है। और तो और कल मुझे किसी ने लिंक भेजा कि यार वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 65 कोर्सेज जो हैं ऑनलाइन जो हैं वो फ्री ऑफ़र कर दिए। सो आप कर सकते हैं कोर्स। आप किसी को कहें यार आप कोर्स कर लें, वो कहेगा नहीं यार मैं तो बिज़ी हूँ, मैंने तो गाने सुनने हैं या मैंने ये करना है। मैं ख़ुद भी शामिल हूँ, मैं अपने आप को उसमें से निकाल रहा, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी की गुनागुन मसरूफियात में ये काम जो है ना सीखने वाला काफ़ी पीछे छोड़ा है। चलो खैर, मैंने तो वैसे ही आपको बताया कि मैं तो अब जैसे जैसे उम्र गुजरती जा रही है बहुत सारी चीज़ों पे मैं खुद ज़ाती तौर पे केयरलेस हो गया हूँ। जैसे कि सेल्फ इमेज, लोग क्या कहेंगे, मतलब सेल्फ इमेज से मुराद लोग क्या कहेंगे। या एक वक्त आता ना आप दुनिया में इतना कुछ देख लेते हैं, कॉमन चीज़ें जो हैं कि हिकमत और दानिश और अक्ल जो है ना वो रोज़मर्रा के कामों में से निकल आती है। बहुत सारी हिकमत दानिश के लिए जो है वो इंसानी रवैये या इंसान से गप लगा लेना या उससे मिल लेना या किसी सिचुएशन को हैंडल कर लेना, वो हिकमत दानिश आपको दे देती है। आपको शायद किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, तजर्बे से आप वो हासिल कर लेते हैं। वो चीज़ें बहुत बदल गई हैं। आई वॉज अबाउट टू आस्क यू भाई टू डू मिमिक्री ऑफ ट्रैक्टर एंड सुई धागा, यू बीट मी टू इट। आय हाय, मच्छर कितने हैं। तोबा, जी जी बिल्कुल ठीक है सर। वॉइस स्टिल लाइक ओल्ड FM DJ, एंड द ओनली थिंग विच इज़ स्टिल यंग इन मी इज़ माई वॉइस, एंड दैट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट विच माई केम टू मी लाइक मैनी टाइम्स इन रिसेंट ईयर्स। लोग कहते हैं जी आपकी आवाज़ नहीं बदली। चलें ये अच्छी बात, अगर और कुछ नहीं भी बना एटलीस्ट समथिंग इज़ परसिस्टेंट। हॉरर स्टोरीज आई वॉज रिमेंबरिंग। कौन सी हॉरर स्टोरीज? हॉरर स्टोरी तो मैंने कभी नहीं सुनाई। इससे ज़्यादा क्या हॉरर होगा कि मतलब चलें छोड़ें, ज़्यादा सख्त हो जाएगी बात, इतनी सख्त बात नहीं करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, ख्याल रखें अपना, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मुलाकात करेंगे। वो आजकल तो वही है ना, हालात ऐसे ही हैं। कोई फैज़ वाले ही है कि मेरे दिल मेरे मुसाफिर हुआ फिर से हुक्म सादिर के, वतन बदर हो हम तुम दे गली गली सदाएं, करे रुख नगर नगर का कि सुराग कोई पाएं, किसी यारे नामा बर का हर एक अजनबी से पूछें जो पता था अपने घर का। सरे कुए ना शनाया, हमें इससे बात करना, कभी इससे बात करना, कभी उससे बात करना। तो मैं क्या कहूँ कि क्या है, शबे गम बुरी बला है, हमें ये भी था गनीमत जो कोई शुमार होता, हमें क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता, हमें क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। ख्याल रखें, शब खैर, फी अमान अल्लाह।